हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की दोस्तों जो क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे सीजीएल 2018 के, और आपको कितने मिनिमम मार्क्स पर आपको पोस्ट मिल सकती है, ये सारी चीजें डीप एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 का इम्पैक्ट भी बताने वाला हूँ। 2017 का इम्पैक्ट 18 पे पड़ेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है, जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी आपकी, और के मिनिमम कितनी बेसिकली आपकी कितने मार्क्स पर आपको मिल सकती है पोस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, तभी आप बढ़िया से समझ पाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी जो 2018 है उसमें आपको पोस्ट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर आपके कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मिनिमम मार्क्स। इसमें सबसे पहली बात करेंगे आपकी वैकेंसीज की। अगर दोस्तों बात करें 2017 और 2018 में, 2017 में कितनी वैकेंसी थी, 2018 में कितनी वैकेंसी थी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2017 की। 2017 में दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है थी वो आपकी 8125 थी, यानी 8125, जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो है आपकी 4238 थी, एससी कैंडिडेट के लिए 1318 थी, इसके साथ एसटी के लिए जो है आपकी 653 और ओबीसी के लिए जो थी टोटल 9116, यानी 1916। ये जो थी टोटल वैकेंसी थी आपकी 2017 के, ठीक है, यानी कि ये पोस्ट तो फिल हो चुकी है क्योंकि 2017 की वैकेंसी अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है ये आप मान के चलो 2017 वाली जो पोस्ट है वो फिल हो चुकी है, यानी 8125 लोगों को जॉब मिल चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी वो 11271 है, ठीक है। 11271 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए कितनी है 5770 है, एससी कैटेगरी के लिए आपकी 1723 है, एसटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये है टोटल 845 और ओबीसी की अगर बात करें तो 2933 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 11271 जो है ये आपकी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये 11271 वैकेंसी थी फिल की जानी है बेसिकली आपके सीजीएल 2018 के थ्रू, ठीक है। अब इसका जो टीयर थ्री का कट ऑफ आया है, ठीक है, जो ओवरऑल टीयर थ्री का कट ऑफ आया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। उससे पहले देख लेते हैं जो 17 का जो फाइनल कट ऑफ गया था, मिनिमम कितने नंबर पर पोस्ट मिली थी, ठीक है। तो मिनिमम इसके लिए जो मार्क्स थे यूआर कैटेगरी में, जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 524.25, यानी 525 नंबर पर आपको पोस्ट मिली थी, मिनिमम ये बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एससी कैटेगरी में 465 नंबर पर पोस्ट मिली थी, यानी सबसे निचली पोस्ट जो है आपकी सीबीआईसी की आती है वो आपकी 465 पर मिली थी आपको, ठीक है। एसटी कैंडिडेट में जो है वो 440.5 पर जो है ये मिनिमम पोस्ट, जब सबसे नीचे वाली पोस्ट थी वो मिली थी, और ओबीसी के लिए जो मिनिमम पोस्ट मिली है वो 513.75 को मिली है। तो ये मिनिमम कट ऑफ था 2017 का, 2017 का मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हमने 2017 का मिनिमम कट ऑफ इतना गया था, वैकेंसी का भी देख लिया, अभी सारी चीजों को हम लोग लिंक करेंगे। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ ये चीजें थी जो कि आपको भी पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब इनका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट थ्री आई है 2018 की, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एससी कैटेगरी के लिए जो लिस्ट थ्री में, जो लिस्ट थ्री जो सीपीटी के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हुए, ठीक है, कि अभी लिस्ट थ्री की बात कर रहे हैं हम लोग, एससी कैटेगरी में जो 467.93 इतने कट ऑफ गई थी, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं 2436 कैंडिडेट अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। अब देखो आपको पता है 1700 कुछ पोस्ट है, 2436 कैंडिडेट तो यहीं पर आ गए, राइट। 3700 आपकी एसटी कैटेगरी के लिए 439.8 गई है, जबकि 1305 कैंडिडेट यहाँ पर है। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो 520.58 गई है, और 4104 कैंडिडेट अवेलेबल है। यूआर कैटेगरी में अगर बात करें तो 539.32 है, और जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर है 346.453 है, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, जो कि अदर कैटेगरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने लोगों ने बेसिकली ओवरऑल कह सकते हैं कि क्वालिफाई किया है टीयर, बेसिकली यहाँ पर यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ओवरऑल, यहाँ पर देख सकते हो 15,000 कुछ लोगों ने टीयर थ्री, 15,000 लोगों के नाम जो है केवल टीयर थ्री में, ये जो आपकी तीसरी लिस्ट है लिस्ट थ्री में केवल 15,000 लोगों के नाम है,
ठीक है। इसके अलावा जो आपकी टीयर फोर है इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस यही कर रहे हैं कि मिनिमम कितनी पोस्ट, मिनिमम कितने मार्क्स पर आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो टीयर फोर की लिस्ट में आपका जो है कट ऑफ गया है वो 439.87 गया, ठीक है, 431। इसमें टोटल कैंडिडेट कितने अवेलेबल है भाई आपके, 5038 कैंडिडेट अवेलेबल है। एससी कैंडिडेट, एससी के लिए जो ये पोस्ट गई की गई है ये 4407.11 गई है, इसके लिए 2399 लोग अवेलेबल है। यूओबीसी के लिए 477.72 यानी 9242 इतने लोग अवेलेबल है, जबकि यूआर के लिए जो गई है ये पोस्ट 512.44 है और टोटल 11,000 लोग करीब करीब यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि इसमें एससी एसटी ओबीसी जो एक्सीड कर रहे हैं इस कट ऑफ को, वो भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये आपका टीयर फोर टीयर थ्री का कट ऑफ है ओवरऑल, जिसमें टीयर फोर्थ लिस्ट का है जो कि डीएसटी केवल क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो कि केवल डीएसटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब आप समझिएगा जरा, अब इस चीज को एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। एक चीज और आप यहाँ देख पाओगे कि आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ कॉमन कैंडिडेट 32,001 कैंडिडेट क्वालिफाइड टीयर थ्री, ठीक है, यानी केवल केवल आपके 32,000 जो कैंडिडेट हैं वो ओवरऑल क्वालिफाई हुए टीयर थ्री में। ठीक है, अब इसका 17 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, 17 के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या करने वाला है। आप ये मान के चलो जो 2017 में जिन्होंने पेपर दिया था वो 2018 भी उन्होंने दिया होगा, टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री तीनों दिया होगा, डेफिनेटली 100% डेफिनेट है उन्होंने, जिन्होंने 17 का, क्योंकि 17 पे सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था उसको लेकर के कोई इतना सीरियस नहीं था, तो उन्होंने 17 के साथ साथ 18 जरूर दिया होगा। और जो लोग 17 में सीट लेके गए हैं, यानी ये जो 8125 लोग हैं, ये लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वही लोग टीयर 2018 में 2018 में भी सीट लेके जाने वाले हैं, ये चीज समझ के रखो, क्योंकि जब वो लोग 2017 में सीट को ले जा सकते हैं तो 2018 में भी ले जाएंगे। लेकिन अगर इनको सीट मिल चुकी है तो ये टीयर थ्री में अपियर ही नहीं होंगे, टीयर थ्री के बाद टीयर फोर जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें ये लोग अपियर ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पोस्ट मिल चुकी है। और आज के समय में, अभी के समय में कोरोना चल रहा है, वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी को भी अगर कोई सी भी पोस्ट मिलेगी तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ये मान के चलो आप। तो अब ये कह सकते हो कि ये जो 8125 पोस्ट हैं ये 32,000 कैंडिडेट्स में इंक्लूडेड है, और इनको अगर आप घटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी अब जो आपके पास ओवरऑल कंपटीशन बचता है वो कितने कैंडिडेट्स के लिए बचता है, 23,876 कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो आपके पास टोटल 11,000 कुछ पोस्टें हैं उसपे कितने लोग बेसिकली डीवी में, अभी डीवी में जाएंगे तो डीवी में करीब 23,876 यानी 24,000 मान लेते हैं हम लोग, या 25,000 मान लेते हैं, चलो 25,000 मान लिया कि 25,000 लोग जो है डीवी देंगे, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे 8125 में जिनको ड्रीम पोस्ट नहीं मिली, तो हो सकता है वो दोबारा से कर लेंगे, या वो अच्छी ऑलरेडी कहीं पर उनका बेटर होगा तो वो सोचेंगे कि भाई इसमें ही मैं निकाल लूं बेटर पोस्ट, तो मान लेते हैं कि भाई 23,000 की जगह 25,000 लोग जो है डीवी पे जाएंगे, ठीक है। तो 25,000 भी अगर आप मानते हो तो भी जो आपकी 25,000 पोस्ट है, अभी 11,000 कुछ पोस्ट है, यानी कि आप कह सकते हो लगभग जो है 2 कैंडिडेट है अवेलेबल है वन पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए कितने लोग अवेलेबल है, अभी 2 लोग अवेलेबल है, मतलब एक पोस्ट को 2 लोग कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना, लेकिन लोग 2 हैं। तो अब क्या होगा इस पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहली चीज तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2017 की जो ओवरऑल वैकेंसी थी, मतलब टोटल जो 8125 कैंडिडेट जिनको पोस्ट मिली है वो लोग दोबारा से ये मान के चलो इस 32,000 लोगों में शामिल नहीं होंगे, कुछ शामिल होंगे भी तो आप ये मान के लो 24,000 से 25,000 लोग डीवी देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे 32,000 लोग नहीं जाएंगे, 100% श्योर मान के चलो आप लोग, ठीक है। तो 25,000 तक भी अगर लोग जाते हैं तो भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि ओवरऑल जो इसकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। कट ऑफ ऑलरेडी पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे टीयर लिस्ट 3 लिस्ट 4 में उसके हिसाब से काफी ज्यादा दी गई है, तो इसलिए ज्यादा दी गई है क्योंकि इसी के आसपास अभी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उसमें 30-30, 40-40 नंबर का डिफरेंस नहीं होगा, आपको आज मान के चलो 15-20 नंबर, 10-15 नंबर में आपको फाइनल कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या बेसिकली बन सकती है, क्या फाइनल कट ऑफ आपकी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आप मान के चलना, आपको जब आएगा टीयर जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल जो कट ऑफ आएगी आप देखना वो इसी रेंज में चलेगी, इसके बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क जो है 2017 की वैकेंसीज पर पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है 2018 में जो कट ऑफ है वो भाई जाने की बजाय काफी लो हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी काफी ज्यादा है,
पहले 2017 में जो है आपकी वैकेंसी 8,000 कुछ है, जबकि 8,000 कुछ है, जबकि 2018 में आपकी 11,000 कुछ है। तो 3,000 का सीधे सीधे जो वैकेंसीज पे, जो ज्यादा वैकेंसीज है तो ज्यादा लोग को हायर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा कम भी जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके हिसाब से लेकर के चले तो मैंने यहाँ पर ग्रेड पे के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर दिया आपका 4600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे। इसके हिसाब से आपका कितना लगभग कट ऑफ होगा ये चीज आप देख सकते हो। ऐसे यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करें, जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसके लिए आप मान के चलो 565 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, अगर आप इतना लेके आ रहे हो इस रेंज में अगर आपका आ रहा है, उस केस में यूआर कैटेगरी से आप फाइनल आपको मिल जाएगी पोस्ट। ठीक है, इसी तरह ओवर ओबीसी के केस में 552 से 567 के अगर इसके रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मिलने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं। एससी के लिए अगर बात करें तो 515 से लेकर के 522 तक ये आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिलेगी, और एसटी के लिए 490 से 495 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पोस्ट मिल जाएगी। राइट, ऐसे ही अगर 2800 गेट पे की बात करें तो 550 से लेकर के 560 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी में, तब आपको मान के चलो आपको ये पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह ओबीसी के केस में जो है 538 से लेकर के 545 के रेंज में अगर आपकी ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगी पोस्ट। इसी तरह एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 490 से 498 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो 2800 ग्रेड पे आसानी से मिल जाएगी आपको, और एसटी के लिए जो है 465 से लेकर के 469 तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपको 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिनिमम जो पोस्ट होती है वो 2400 ग्रेड पे की होती है, इससे छोटी कोई पोस्ट नहीं होती। तो मिनिमम की अगर बात करें, अगर यूआर कैटेगरी से अगर आप हो 535 से लेकर के 542 के बीच में आ रहे हैं मार्क्स आपके, तो आप मान के चलो आपको डेफिनेटली जो है 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी। इसी तरह ओबीसी के केस में 525 से लेकर के अगर 532 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में अगर आ रहे हैं तो आप ये आपको ओबीसी के केस में मिल जाएगी पोस्ट। इसी तरह एससी की अगर बात करें, आपके 467 से लेकर के 475 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आप श्योर हो सकते हो कि आपको जो है पोस्ट मिल जाएगी, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। और पिछली बार तो 465 पे मिल गई थी, इस बार और कम जाने के भी चांसेस हैं, फिर भी आप ये मान के चलो कि 467 से 475 के बीच में अगर मार्क्स है तो डेफिनेटली मिल जाएगी, 100% है। इसी तरह आपका एसटी का केस अगर देखा जाए तो 445 से लेकर के 450 तक इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्लियरली आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी। राइट दोस्तों, तो ये बस आप इतनी चीजों को अगर आप ध्यान से समझ लो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपकी कि अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हो कि भाई आपको पोस्ट मिल जाएगी 2018 में। अगर इस रेंज के बाहर है मार्क्स, अगर इस रेंज से कम है आपके मार्क्स तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप सीधे सीधे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा 2019 पर फोकस करो। ठीक है, 18 में बहुत ही कम चांस होंगे आपके, 2019 पर फोकस करिए क्योंकि उसपे ही आप आगे निकाल पाओगे। क्योंकि इनमें जो लिस्ट 4 में जिनके जिनके मार्क्स आ रहे हैं भाई, अगर इस रेंज के बाहर अगर आपके मार्क्स हैं तो उस केस में आपके आने के चांसेस काफी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए 2019 पर आपको फोकस करना है, और इस रेंज के अगर आपके मार्क्स हैं तो काफी डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कट ऑफ से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का। ठीक है, अच्छे से आप इन्हें तैयारी करते रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है 2019 वाले जो स्प्रिंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इस चैनल से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी ग्रुप पाठशाला नाम से सर्च करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। आप मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस खान अकेडमी में पूरी तरह से फ्री होती है, 11:30 से मॉर्निंग में क्लास होती है स्पेशल क्लास आपकी, तो आप उनको वॉच करिए, काफी बढ़िया आपको चीजें समझ में आएंगी। जीके जीएस की क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास होती है जिसमें आपको काफी मजा आएगा। एमसीक्यू के थ्रू मैं यहाँ पर क्लासेस लेता हूँ जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, सारी चीजें चलती है साथ में। ठीक है, तो आप इन सारी क्लासेस को वॉच करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, और बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जहां से जाके अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव को भी बढ़िया से तैयार कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप सभी का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जो बेसिकली कट ऑफ से रिलेटेड था, और आप अपनी तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।